नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आपका ज्ञान क्यूरियोसिटी में स्वागत है। दोस्तों, रूस यूक्रेन के बीच जो वॉर है अभी के लिए बहुत एक हद तक बढ़ चुका है, यानी कि यूक्रेन पूरी तरीके से भी बर्बाद हो चुका है, तबाह हो चुका है। यूक्रेन को आप एक नया सीरिया कह सकते हैं, जिस तरह की तबाही अभी यूक्रेन में हुआ है। और रूस को भी यहाँ पे कम क्षति नहीं हुई है, एक भारी भरकम नुकसान हुआ है। रूस के जितने भी टैंक्स हैं जो यूक्रेन में पहुँच रहे हैं, अधिकतर उनको तबाह किया जा रहा है। इनफैक्ट यूक्रेन की आर्मी के सहित वहाँ के जो लोग हैं और बहुत सी विदेशी नागरिक भी अभी यूक्रेन में पहुँच गए हैं यूक्रेन के इस युद्ध में हिस्सा लेने के लिए और यूक्रेन के पक्ष में। तो यहाँ पर रूस को भी एक भारी भरकम कैजुअलिटी हो रहा है। और रूस इतना बड़ा महाशक्ति जो बहुत ही भारी भरकम मात्रा में एक बड़े स्केल पर हथियारों का प्रोडक्शन करता है, पूरी दुनिया भर में उसे बेचता है, लेकिन अभी के लिए रूस पर जो उनके स्पेयर पार्ट्स हैं, जो टैंक है, जो फाइटर जेट हैं, उनके स्पेयर पार्ट्स में कमी आ गई है। और रूस चीन से कह रहा है कि उसे स्पेयर पार्ट्स प्रोवाइड करें, यानी कि जो कलपुर्जे होते हैं हथियारों के, उसे दिया जाए। और चीन ने सीधे सीधे मना कर दिया देने से, क्योंकि उसके ऊपर भी इंटरनेशनल दबाव है, प्रेशर है। अब रूस कहीं ना कहीं भारत की तरफ देख रहा है और भारत से स्पेयर पार्ट्स मांगने की गुंजाइश में लगा हुआ है रूस। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि अगर एक युद्ध में, एक छोटे से देश से युद्ध करते समय एक महाशक्ति की इतनी बुरी हालत हो सकती है, यानी कि रूस की इतनी बुरी हालत हो सकती है, तो अगर भारत का कहीं ना कहीं कभी चीन से अगर युद्ध होता है, एक विवाद हो जाता है या कोई झड़प होती है और युद्ध जैसी परिस्थिति उत्पन्न होती है, तो भारत की क्या स्थिति होगी। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि भारत आधे से ज़्यादा अपने जो हथियार हैं वो बाहर से खरीदता है, विदेशों से खरीदता है, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा वो रशिया से ही खरीदता है। और रशिया का अभी के लिए ये हाल है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में आपको बहुत सारे आंकड़े बताऊंगा कि भारत कितना ज़्यादा डिपेंडेंट करता है रशिया पर, और इन द फ्यूचर अगर रशिया भारत को अपने ये हथियार देने बंद करें तो भारत की क्या स्थिति होगी। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, तो इस दुनिया में दो महाशक्तियाँ उभर कर आईं, जिसमें पहला था अमेरिका, दूसरा था सोवियत यूनियन, जो अभी के लिए रूस है। अगर बात करते हैं यूरोप की, तो यूरोप के मैक्सिमम जो कंट्री थे वो तबाह हो चुके थे। यूरोप में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी सहित जितने भी कंट्री थे, उनमें फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुका था, क्योंकि उन्होंने वॉर में बहुत सारा पैसा अपना खर्च कर दिया था। तो ऐसे में सिर्फ दो ही महाशक्तियां बची, अमेरिका और सोवियत यूनियन, जिसे मैं आज के समय हम रूस कहते हैं। और भारत शुरू से ही, आज़ादी के बाद से ही रूस के पक्ष में गया, यानी कि 1970s से ही भारत और रूस के जो रिश्ते हैं काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहा है। और इन रिश्तों के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है कि किस तरीके से रूस ने भारत की मदद की और भारत किस तरीके से रूस के पक्ष में चला गया। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दे दूंगा, वहां से जाके इस वीडियो को देख लीजिए, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल जाएगी। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि भारत आज़ादी के बाद से ही अपने मिलिट्री से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट हैं, हथियार हैं, साजो सामान हैं और टेक्नोलॉजी को लेकर रशिया पर डिपेंड रहा है। और भारत ने रूस के प्रति जो अपना विश्वास है, जो अपना ट्रस्ट है, वो बनाए रखा। और तब से लेकर अब तक हम रूसी हथियारों पर ज़्यादातर डिपेंड करते हैं। भारत और रूस के बीच संबंधों में गहराई और बढ़ गई जब 1961 में भारत ने रूस की कंपनी मिखोयान गुरेविच डिजाइन ब्यूरो से 800 से ज्यादा MiG-21 बाइसन फाइटर प्लेन खरीदा, और ये अभी भी कार्यरत है इंडिया में। और ये वही MiG-21 बाइसन है जिससे अभिनंदन ने पाकिस्तान के सुपीरियर सबसे लेटेस्ट F-16 फाइटर जेट को मार गिराया था। दोस्तों, पूरी दुनिया में जो हथियारों की खरीद फरोख्त है उस पर अपनी एक पैनी नजर रखने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है शिप्री। उन्होंने अपने एक रिपोर्ट में कहा था कि भारत 2011 से लेकर 2015 तक अपनी जरूरतों की 70% तक का हथियार रूस से ही खरीदता था, और 2016 से लेकर 2020 तक ये आंकड़ा घटा है और ये 49% तक रह गया। यानी कि अभी के लिए अगर हम देखते हैं तो भारत अपने जरूरतों का आधा हथियार अब भी रूस से ही खरीदता है। तो चलिए दोस्तों, आपको एक आंकड़ा बताता हूं कि वो कौन कौन से हथियार हैं जो इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी इस्तेमाल करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन आर्मी की, कि कौन से रूसी हथियार हैं जो हमारी इंडियन आर्मी इस्तेमाल करती है। तो उसमें है मुख्य युद्धक टैंक, जैसे कि T-70, T-90, और हाल ही में भारत ने रूस से AK-203 असॉल्ट राइफल की एक बड़ी डील की है, जिसमें एक बहुत ही भारी भरकम मात्रा में भारत को रूस AK-203 असॉल्ट राइफल देगा। और अभी भारत ने लेटेस्ट ही S-400 का एयर डिफेंस सिस्टम रूस से खरीदा है। अब बात करते हैं इंडियन नेवी की, तो इंडियन नेवी भी बहुत ही भारी मात्रा में रशियन मेड वेपन्स का इस्तेमाल करती है। जैसा कि आपको पता है कि भारत के पास एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम है विक्रमादित्य, इसे भारत ने रूस से लिया है। और भारत के पास 10 प्रकार के गाइडेड मिसाइल सिस्टम है जिसमें 4 सिर्फ रूस के हैं। और नेवी के पास कुल 17 वारशिप हैं जिसमें से 6 सिर्फ रूस से आए हैं।
अब बात करते हैं एयरफोर्स की, तो इंडियन एयरफोर्स में रूसी मेड फाइटर प्लेन्स की एक लाइन सी लगी हुई है, जिसमें सबसे पहले आता है MiG-21, MiG-27, MiG-29, Sukhoi-30 MKI जैसे बड़े बड़े फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल है। तो दोस्तों ये थे वो आंकड़े जिसमें मैंने आपको बताया कि भारत रूस से कितने हथियार खरीदता है, कितने अधिक मात्रा पर डिपेंड करता है रूस के ऊपर। और जैसे मैंने आपको पहले ये भी बताया कि भारत की अभी निर्भरता थोड़ी सी कम हुई है, यानी कि अब हम पहले की अपेक्षा थोड़े कम हथियार खरीदने लगे हैं रूस से, यानी कि 49% यानी 50%, यानी अभी आधा हथियार तो हम रूस से ही खरीदते हैं। कितना भी हमारा निर्भरता कम हुआ लेकिन आधा हथियार तो हम अभी के लिए खरीद रहे हैं। अब ये कैसे हुआ, तो पिछले एक दशकों से जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है इंडिया में, तब से हमारा झुकाव थोड़ा सा अमेरिका के प्रति और थोड़ा सा यूरोपियन कंट्रीज से हुआ है। जैसा कि आपको बता दूं कि भारत ने 36 राफेल फाइटर जेट खरीदे हैं फ्रांस से, और फ्रांस एक यूरोपियन कंट्री है। अगर बात करते हैं अमेरिका से, तो अमेरिका से भी हमने बहुत सारे हथियार खरीदे हैं पिछले एक दशकों से। तो अमेरिका से भारत ने चिनूक हेलीकॉप्टर, अपाचे फाइटर हेलीकॉप्टर, M-77 हवेजर गन्स, बोइंग C-17, C-130, 4P-81 सबमरीन, हंटर एयरक्राफ्ट खरीदे हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि भारत अब रूस पर पूरी तरीके से डिपेंड ना होकर अब और भी विकल्प तलाश रहा है, जिसमें अमेरिका, फ्रांस ये सब एक मुख्य देश हैं जिनसे भारत अब अपने हथियारों को खरीद फरोख्त पर ध्यान दे रहा है। अब ऐसा भी भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि कुछ ऐसे समीकरण बदल रहे हैं, जैसे कि आपको पता है यूक्रेन रूस वार में बहुत कुछ इक्वेशंस चेंज हो चुके हैं। अब ऐसे आपको इन द फ्यूचर अगर भारत और चीन के बीच में कुछ झड़प हो जाता है, कुछ युद्ध जैसी स्थिति हो जाता है, तो आपको पता है कि अभी के लिए रूस कहीं ना कहीं चीन के पाले में जाता नज़र आ रहा है, और चीन और रूस एक दूसरे के काफ़ी करीब आते हैं। अब इन द फ्यूचर अगर भारत को चीन के साथ लड़ाई लड़नी पड़ गई, तो भारत को स्पेयर पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी, और भारत के हथियार अभी के लिए 80% तक जितने भी हथियार हैं वो रशियन मेड हैं, और उनको संभालने के लिए, उनके सर्विसिंग के लिए, उनके रख रखाव के लिए भारत रशिया से उनके स्पेयर पार्ट्स को मंगाता है, जिसको लेकर रूस काफ़ी भारी भरकम चार्ज भी करता है इंडिया से, और इंडिया के पास कोई विकल्प भी नहीं है। और युद्ध जैसी स्थिति में अगर रूस ने भारत को स्पेयर पार्ट्स देने से इनकार कर दिया, तो भारत की स्थिति क्या होगी। तो अब इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए भारत अब अपने रिश्तों को कहीं ना कहीं अब डाइवर्ट करना चाहता है। हथियार संबंधित जितने भी संबंध है रूस के साथ, अब भारत नहीं चाहता कि हम पूरी तरीके से रूस पर ही डिपेंड रहे, क्योंकि इक्वेशन अब कभी भी चेंज हो सकता है, क्योंकि जो जियोपॉलिटिक्स है, जो डिप्लोमेसी है, अब कहीं ना कहीं दूसरी तरफ जाती हुई दिख रही है। और दोस्तों मेरे हिसाब से कि भारत के लिए एक ही विकल्प नहीं है कि वो और देशों से हथियार खरीदे, भारत के पास अब एक सबसे बड़ा विकल्प है, और उस पर सोचने की ज़रूरत है कि भारत को अब आत्मनिर्भर बनना चाहिए। और भारत ने बहुत सारे कदम उठाए हैं, जैसे कि असॉल्ट राइफल्स हैं, जैसे कि आपको पता है तेजस जो एक काफ़ी उन्नत किस्म का फाइटर जेट है, जिसका पूरी दुनिया में अभी के लिए नाम हो रहा है। इस तरीके से और स्टेप लेने पड़ेंगे, और भारत में ही हथियारों को बनाया जाए। इससे क्या होगा कि भारत का पैसा ही बचेगा, जो फॉरेन रिजर्व है हमारा वो विदेशों में चला जाता है, तो ऐसे में हमारे काम आएगा। और अगर भारत की कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा, भारत सरकार प्रमोट करेगी जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं, तो ऐसे में भारत से जो विदेशी हैं वो हथियार खरीदेंगे। और पिछले कुछ सालों में भारत की कंपनियों ने ये करके दिखाया भी है, भारत सरकार को अपनी योग्यता को प्रूफ करके दिखाया है। दोस्तों बस यही कुछ था इस आज की वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, और आपका अगर कोई ओपिनियन हो इस वीडियो के बारे में तो उसे ज़रूर लिखिए। मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूँ, उनके रिप्लाई भी देता हूँ, क्योंकि आप जो भी कमेंट करते हैं वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी रहता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए, ताकि हमारे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो फिर मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।